नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बायसन सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 15 फरवरी 15 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का बाई लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। बहुत सारा बाई सेल लेवल दिखाऊंगा और इसके बाद तो बायसेल लेवल्स दिखाऊंगा। और तो इसको ये वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का मेनली दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ, नेक्स्ट डेट के लिए प्रिडिक्शन करने का कोशिश करता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा मेरा यूट्यूब चैनल पे चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो आप लोग को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्टॉक सिलेक्शन से शुरू करके बहुत सारा चीज़ है, पेयर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज ऑप्शंस बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी दिया हुआ है और भी मैंने अपलोड करके करते जाऊँगा। तो ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो वीडियो को जरूर सॉरी ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये जो बायसेल लेवल कम स्किनर है इसमें क्या क्या है और कैसे इसको स्किनिंग करना है ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए ताकि ये इसका एक इसको आप लोग काम पे लगा के मतलब इसको अडेप्ट करके आप लोग बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट में काम कर सकता है। मेरा लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखिए और मैंने जो बायसेल लेवल्स दिखाता हूँ हर रोज़ दिखाता हूँ आप लोग को, उसको कैसे मैच करता है आप लोग देखिए देख लीजिए। इसका गैप अप और गैप डाउन कैसे कंसीडर कर लेना है मेरा लाइव डेमो जब देखेंगे तो आप लोग इसका देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग मेरा पेड सर्विस ले सकता है, तो इसके पूरा फाइल आप लोग को शेयर कर दूंगा। उसके अलावा मेरा भी गाइडेंस रहेगा, व्हाट्सएप में कॉल रहेगा कि इस कौन सा सिचुएशंस में कौन सा बायसेल लेवल आप लोग को मतलब एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, वो सब आप लोग को मिल जाएगा। और इसका आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मेरा चार्ट का सेटअप जो है उसमें कैसे चार्ट का सेटअप मैंने बनाया है, उसमें कैसे सिग्नल मिलता है, कैसे मेरा बायसेल लेवल्स मिलता है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग मेरा ट्रेनिंग शेड्यूल कैसे है मतलब ट्रेनिंग मॉड्यूल देख सकता है। और उसके अलावा और भी आप लोग का कुछ पर्सनली कुछ सीखना है तो उसको भी मेरे को पता कर सकता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ठीक है, लेकिन मेरा जो ट्रेनिंग शेड्यूल मॉड्यूल है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप और जो मेरा जो बायसेल है ये सब जो यूट्यूब वीडियो देता हूँ और ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ भी है ये मेरा प्योरली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस है। तो आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का सलाह जरूर ले लेंगे। मैं इन ऐसे में सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एनीवे तो मैंने इसमें बायसेल लेवल तीनों बायसेल लेवल रहता है, मैंने फर्स्ट सेट ऑफ बायसेल लेवल देखा था, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ रहता है और टारगेट फोर फाइव से लेके फाइल में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहा है, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट डाने तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट डाने तरफ रहता है, टारगेट एट डाने तरफ रहता है। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है। कैसे आप लोग वो लाइव डेमो देखेंगे या टुडेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देखेंगे तो आप लोग देख सकता है। तो उसमें कैसे ट्रेड लेना है सोच लीजिए, 12,095 या 1307 के बीच में ओपन हुआ, सोच लीजिए 1303-1304 हो गया है, तो ये 1307 क्रॉस करने के बाद ही एंट्री लेना अच्छा रहेगा ठीक है। तो इसी का हिसाब से आप लोग को समझ लेना पड़ेगा। सोच लीजिए टारगेट वो 1342 और 1412 के अंदर है, सोच लीजिए 1380-1390 तक चला गया है, तो इसीलिए वेट बेटर रहेगा कि 1412 क्रॉस करने के बाद ही एंट्री लेना है, नहीं तो 1342 हुआ, 1350 हुआ, तो 1360 हुआ, तो आप लोग 1412 के लिए एंट्री ले सकता है। ऐसे करके सभी लेवल पे ऐसा ही ये
ये रूल्स आप लोग को सभी लेवल पे मानना पड़ेगा, गैप और गैप डाउन कौन, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे है वो देखना है, उसके बाद ही आप लोग को ट्रेड लेना है। ये है वैसे लेवल 2, इसमें भी आप लोग काम कर सकता है। और आप लोग बहुत दिन से बहुत सारा लेवल्स देख सकता है, आप लोग बैक टेस्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, और कोई भी लेवल्स एक भी लेवल्स मैच नहीं किया तो आप लोग मेरे को पता कर सकता है, मेरे को बोल सकता है कि ये लेवल मैच किया नहीं किया है। R1 R2, ये R1 वाई का लेवल है, एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है, ये स्टैंडर्ड पिवट फंड है, ये भी बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। और इधर बोलिंजर बैंड का वैल्यू आप लोग नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू नोट कर सकता है, टीरॉन लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है। ये देखिए, ये ऐसा मुश्किल, ये आप लोग को स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग भी कर ले सकता है। स्क्रीनिंग करने के बाद मार्केट में, जब स्क्रीनिंग करने के बाद आप लोग देख सकता है, मैंने लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, उसके बाद आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है, उसके बाद उस स्टॉक्स का आप लोग बाय सेल लेवल देख सकता है। जो लोग मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी वाला लेवल देखा वो भी लाइव मार्केट में अपडेट दे दूंगा। ये जो एंड ऑफ द डे दिखाता हूँ वो मार्केट ओपन होने के बाद काम पे आता है, जब गैप अप गैप डाउन कंसिडर कर लेना है, गैप अप डाउन कंसिडर करना काम पे आता है, तो सोच लीजिए उसके बैंड चला गया तो तब थोड़ा सा मतलब लाइव मार्केट में अपडेट करना पड़ता है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ 9, ये गन डिग्री गया है, ये गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल्स है, ये मिरर्स का लेवल्स है, और भी लेवल्स है, इतना सारा लेवल्स में जो मैं क्यों काम करता हूँ, मेरा लाइव डेमो देखने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा। ये 360 डिग्री एनालिसिस, फर्स्ट साइकिल अप साइड स्लो एनालिसिस का फर्स्ट साइकिल, डाउन साइड उसके बाद फर्स्ट साइकिल, डाउन साइड का फर्स्ट साइकिल, तो कंपेयर करके एक सूटेबल, बहुत सारे लेवल्स कंपेयर करके एक सूटेबल लेवल में एंट्री लेना है, और नहीं तो आप लोग किसी भी एक किसी एक को चुन के आप लोग एंट्री ले सकता है। तो जो बाद में मैंने जो वोलेटिलिटी का जो लेवल्स दिखाऊंगा, वोलेटिलिटी बेस्ड गन या फिबोनाची गन डिग्रीज का जो लेवल्स है वो मैंने प्रेफर करूँगा, और एक इंडिकेटर है, वो दोनों लेवल कंपेयर करके आप लोग ट्रेड में एंट्री ले सकता है, तो आप लोग को सबसे अच्छा काम करेगा। अच्छा, इसके बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने ऑलरेडी दे दिया है, कुछ लेवल्स दे दिया है, अभी वाइसल लेवल्स 1, 2, 3 भी दिखाऊंगा, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका से काम करता है, मैंने हर रोज़ दिखाता हूँ, आप लोग भी देख सकता है, इसका फ़ायदा उठा सकता है। अभी लॉकडाउन पीरियड में आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके, नया स्किल डेवलप ट्रेनिंग भी ले सकता है, और इसका मार्केट भी अच्छा चल रहा है, मेरा कॉल सर्विस भी ले सकता है, और आप लोग कुछ स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप लोग इस टाइम फ्री में हैं तो आप लोग नया स्किल इसका डेवलप करके कर सकता है, तो इसका फ़ायदा आप लोग उठा सकता है। इसका बैंक निफ्टी का ये पैसे लेवल 1, 2, 3 दिखा दिया, उसके बाद इधर का डिग्री का ये जो गन एंगल का दिखा रहा था वो सिंपली ये वोलेटिलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे तरह एक्चुअली आप लोग इधर से ज़्यादा काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन वोलेटिलिटी बेस्ड जो वोलेटिलिटी के साथ लिंक करके दिखाता हूँ तो वो बहुत ही बढ़िया तरीका से काम करता है, क्योंकि उसका मूवमेंट एकदम मतलब मार्केट का हिसाब से चलता है, ये भी मार्केट का हिसाब से चलता है, लेकिन जब सोच लीजिए वोलेटिलिटी आप लोग समझ सकता है या टू रेंज समझ सकता है, डे टू डे वेरी करता है, उसका जब एक दिन में कितना मूवमेंट हो सकता है उसका जो हिसाब से जब ये परसेंटेज डिग्री का फैक्टर लगाएगा, परसेंटेज लगाएगा, तो सोच लीजिए इसका बैंक निफ्टी एक दिन में 385 निफ्टी एक दिन में 385 पॉइंट मूवमेंट हो सकता है। मैंने इसका दिखाता हूँ, कमोडिटी का दिखाता हूँ, तो 385 पर उसका जो मतलब डिग्री फैक्टर में जो निकल के आएगा गन डिग्री, आप लोग ऐसे ही काम कर सकता है, हाई लो क्लोज देखे कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जब वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जब क्या होता है उसका एक डे का रेंज आ जाता है, तो उसका जब परसेंटेज निकल के उसका हिसाब से जब करेंगे उसका कैलकुलेशन, तो वो और भी बढ़िया तरीका से काम करता है।
आप लोग को फीडबैक मैंने इस पर करता हूँ, आप लोग को जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये गम स्क्वायर ऑफ 12 और ये रूल ऑफ 7, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जो रूल ऑफ 7 जो होता है, देखिए 1 2 1, थ्री सिक्स नाइन एक रूल होता है नंबर वाइब्रेशन, इसका हिसाब से नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट ऑल्सो द होल यूनिवर्स चलता है। ये गन एंगल फिबोनाची नंबर वाइब्रेशन देके, रूल ऑफ 7 देके, यार 1 1 2 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 4 5 6 7 8 9 और 7 8, और ये है आपका रूल ऑफ 7। और जो 3 6 9 एक उसका अलग रूल है, तो इसी के लिए वो सब मैंने बाद में डिस्कस करूँगा। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिखाया पावर ऑफ गन, मैंने उसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊँगा और वो भी वीडियो आप लोग देख सकता है, उसका बाद में आप लोग ट्रेनिंग भी देख सकता है। बहुत ही नॉमिनल एकदम, इसमें आप लोग को 50-60 हज़ार लग जाएगा, 1 लाख रुपया भी लग सकता है जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में मेरा है। इसका मौका आप लोग फायदा उठाना आप लोग ले सकता है। तो देखिए इधर ये 100 डे मूविंग एवरेज का है, 100 डे मूविंग एवरेज का एक स्ट्रैटेजी है मेरा। 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है, आज का डेली कैंडल को जो 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है तो उसका नेक्स्ट डे जो फाइनल उसका तोड़ता है तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये है ग्लेन मार्क में देखा है, ये ग्लेन मार्क पर काटा है। इसके बाद आप लोग कुछ डेली चार्ट में चेक कर सकता है 100 डे मूविंग एवरेज डाल के, मुथूट फिनंस में हुआ है और इधर टोरेंट फार्मा में दिखा रहा है, ठीक है। और इधर मैंने एक और भी एक गापी मूविंग एवरेज है, एक सिस्टम बना है। यह है शॉर्ट टर्म ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ईएमएस और यह है ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म ईएमएस, ठीक है। इधर ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म ईएमएस एवरेज, ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म, ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ईएमएस का एवरेज और ग्रुप ऑफ एवरेज लॉन्ग टर्म जो है, तो उसका जब एवरेज शॉर्ट टर्म जब एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर जाएगा तो वो अप ट्रेंड रहेगा और उल्टा होगा तो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ये सब आप लोग को बायोकॉन, ये सब कैडिला हेल्थ, ये सब आप लोग को अप ट्रेंड दिखाएगा। सिप्ला ये डेली चार्ट में है, डेली डाटा लेके काम किया है, ये डेली डाटा लेके कैलकुलेट किया गया, तो इस बार ये अप ट्रेंड नहीं आप लोग को दिखेगा। इसके बाद इसका लेवल देख के आप लोग को काम करना है, लेकिन इसमें आप लोग को दिखेगा। इसके बाद मैंने इनसाइड द बार इनर 4 इनर 7 कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, जो लोग कैंडल स्टिक समझता है वो चार्ट में देख सकते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। सोच लीजिए इधर बजाज ऑटो में 1 डे का हिसाब से इनसाइड द बार बना है, इनर 4 भी बना है, ठीक है। इसके बाद इनर 4 इनर 7 बना है बैंक बड़ौदा में, इधर ब्रिटानिया में इनर 4 इनर 7 हुआ है, इधर कैडिला हेल्थ में इनसाइड द बार बना है 1 डे का हिसाब से, ये सिप्ला में बना है, इधर 2 डेज का हिसाब से डाबर में बना है, डाबर में बना है 2 डेज का हिसाब से इनसाइड द बार, डिविजनल में बना है, ठीक है। और भी बहुत सारा बना है तो मैंने इतना दिखा नहीं हुआ, अब लोग मेरे पेज सर्विस लेंगे तो आप लोग का पूरा फाइल मिल जाएगा। ये देखिए लगातार 3 दिन का हिसाब से लोअर हाई लोअर लोस बनता है, ये 3 डेज का एक रूल होता है। ये बेल में ये हायर हाई हायर लोस लगातार 3 दिन से ये हायर हाई हायर लोस बना है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न दिखा देता है। ग्लेड मार्क में हुआ है और इधर फेडरल बैंक में बनता है, और इधर देखिए हैंगिंग मैन पैटर्न बना है बाया चौटो में। हैंगिंग मैन जब अप ट्रेंड में जो हैंगिंग मैन होता है तो उसका डाउन ट्रेंड चालू होने का डाउन ट्रेंड आने इसके बाद उसका डाउन ट्रेंड आने का पॉसिबल होता है। इन्वर्टेड हैमर बना है, जो लोग का कॉन्सेप्ट है समझ सकता है लेकिन स्क्रीनिंग में आप लोग कर सकता है। ये मास्टर लॉन्ग, ये जो मास्टर लॉन्ग बना है तो ये तीनों इसका आप लोग लॉन्ग कर सकता है हाई ब्रेक करके, और ये जो शॉर्ट बना है इसमें आप लोग शॉर्ट कर सकता है जब लो ब्रेक करेगा। इसके बाद आगे बुलिश एनगल्फिंग बना है, SSC ये सब में बुलिश एनगल्फिंग बना है, ठीक है। और इधर शेकआउट बना है, इधर लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है,
आप लोग इधर मैंने जब क्लिक करता हूँ इधर हाईलाइट हो जाता है, आप लोग देख सकता है, इधर से नोट कर सकता है। इधर और क्या है, मॉर्निंग स्टार, ये 42 रिवर्सल हुआ है, हमारा इधर बैटरी में दिखा रहा है, इधर भी 42 रिवर्सल दिखा रहा है बेल में। और क्या दिखता है, बहुत सारा मैंने टेंगे पैटर्न बना के रखा हूँ, तो आप लोग कुछ भी करके आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकता है। बहुत सारा तरीका से आप लोग कौन सा तरीका अपनाएंगे वो आपने पर डिपेंड करता है। मेनली एंगल का कैलकुलेशन वो भी सबसे अच्छा चीज़ है, उसको ही आप लोग को इस्तेमाल करना चाहिए आप लोग को। हाँ इधर तो बनता है कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनता है ज़रूर, ठीक है, उसको वो सब देख के आप लोग शॉर्ट कर लीजिए, इसी स्टॉक्स पे आप लोग काम करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे कि उसका लेवल्स का ज़रूरत होता है, सही लेवल्स का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। फिबोनाची का 7 डेज इसका हिसाब से, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखिए, जब बड़ा टाइम फ्रेम का कुछ लेवल्स आ जाता है तो इच्छा इसका मूवमेंट अच्छा मिलता है। और इधर तो आप लोग को शायद निफ्टी बैंक निफ्टी का जो दिखा दिया था, अभी आप लोग स्टॉक्स का देख लीजिए। आप लोग कोई भी स्टॉक्स, एक दो चार को स्टॉक्स आप लोग चुन सकता है इसके अंदर। इधर से देखिए, इधर से पूरा वोलेटिलिटी बेस्ड, ये फिबोनाची का लेवल्स है, वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स, ठीक है। इधर आप लोग कुछ कोई भी स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स आप लोग को जो पसंद होता है इसमें आप लोग पस सकता है इसका लेवल्स, ठीक है। मैंने अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ। जब निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस जो है उसमें आप लोग देख सकता है। ये गन एंगल्स का है कैलकुलेशन, R1 R2 R3, ये सब बाई का लेवल्स है, S1 S2 S3 इसका सेल का लेवल है। तो मेरा मोस्ट रिकमेंडेड जो लेवल है ये है, ये डिग्री का लेवल, ये आप लोग नोट कर सकता है। और कोई भी लेवल्स काम नहीं किया तो मेरे को जरूर पता कर सकता है। और मैंने लाइव डेमो भी दिखाता हूँ हर रोज लाइव मार्केट में, मैंने आप लोगों के सामने एक लेवल कैलकुलेट करता हूँ, फाइल अपडेट करता हूँ, उसके बाद मैंने वाइसल लेवल्स दिखाता हूँ आप लोग को, उसको कैसे मैच किया है। आप लोग लगातार जो वीडियो डालते रहता हूँ वो आप लोग देख सकता है। और ये जो वाइसल लेवल्स का वीडियो, पिछले वाला वाइसल लेवल्स देख के उस डेट का, नेक्स्ट डेट का जो है, तो उसका आप लोग मेरा पब्लिश का टाइम देख लेंगे, क्योंकि मैंने ये देखिए, मैंने ये रात में मैंने देता हूँ, तो वो डेट रहता है किस डेट पे, आप लोग देख के उस डेट का चार्ट आप लोग 15 मिनट का चार्ट देख सकता है, या एक दिन का डेली चार्ट देख सकता है। और ये भी लेवल बहुत ही बढ़िया तरीक़े से काम करता है, ये जो वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीक़े से काम करता है। और भी कुछ लेवल्स आप लोग को दिखा देता हूँ, और जैसे आप लोग को ये दिखाना है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोग को दिखा देता हूँ। बहुत सारा लेवल्स है, इंडिकेटर्स है, इधर देखिए, इधर इधर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स का ये लेवल आप लोग नोट कर सकता है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, मेनली इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लीजिए, यही आप लोग का काम पे आएगा। वाइसल लेवल के से रेजिस्टेंस सपोर्ट अच्छा काम करेगा। यह कैमरिज का लेवल्स H1 H2 H3 H4 H5, ये सब आप लोग कैमरे, और कौन सा लेवल पे जॉब कौन सा है वो आप लोग देख सकता है, और उसका टारगेट टॉप लॉस कितना है वो भी आप लोग को देख सकते हैं, इसका रूल्स आप लोग नोट कर सकता है। इसके बाद जो लेवल्स है, जो फिबोनाची का 2 रेंज, 1 डे का हिसाब से जो 2 रेंज है, इसका लेवल्स आप लोग फॉलो कर सकता है, ठीक है। और 2 रेंज जब ATR का ये लेवल को आप लोग को नहीं चाहिए, ये मत कीजिए। इसके बाद ATR ये वाला लेवल जो है बाई एंट्री जब शुरू होता है, फिबोनाची लेवल बेस्ड ऑन ATR 14, इसको आप लोग नोट कर सकता है। इसके बाद देखिए, ये इसका भी नहीं चाहिए, 30 पीरियड का है, लॉन्ग टर्म में इतना नहीं चाहिए। इसके बाद गन एंगल बेस्ट ऑन 2 रेंज, ये भी आप लोग नोट कर सकता है। और ये ATR 14, ये भी आप लोग नोट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ये गन डिग्री,
ठीक है, अकाउंट डिग्री का भी आप लोग नोट कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट जॉन और ATR 14 ए भी अकाउंट डिग्री ATR 14 ए भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसका अभी थोड़ा सा जरूरत नहीं है, 7 डेज का हिसाब से और स्टैंडर्ड डेविएशन किया है आप लोग नोट कर सकते हैं। जब इसका लेवल आ जाएगा तो आप लोग को काम पे आ जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए मैंने इतना मतलब 30 डेज का हिसाब से यहाँ है। तो इसका लेवल जब आ जाएगा तो आप लोग नोट करके रख सकते हैं, इसका लेवल जब आ जाएगा तो बढ़िया कहाँ से तरीके से काम करेगा। और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डे का हिसाब से, ये भी आप लोग 100% नोट कर सकते हैं, ये आप लोग 100% नोट कर सकता है। तो इसका और कोई भी आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आप लोग को क्वेरीज है मेरे को पूछ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यही ख़त्म कर रहा हूँ।